धूप में बैठे हुए हैं बंदे। ठीक है भाई, ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। चलो फाइनली मिला रहे हो लोगों से। तीसरा चुरा के कहावत मशहूर है कि रिच छटता पर चुराई ना छटता, मतलब कि एक रिच से शायद आप बच सकते हैं पर एक चुराए की पकड़ से नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मिस्टर खन्ना एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं घर से, और बताता रहता हूँ कि अपने घर से फिलहाल मेरा घर नहीं है, हमारे नानू जी का घर है। तो फिलहाल अभी का माहौल, और वैसे थंबनेल में आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं किसके साथ मिला, तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कब मिलेंगे भाई, कब मिलेंगे, तो फाइनली आज मिलने वाले हैं। तो अभी का व्यू यहाँ का कुछ ऐसा है, ये है भद्रम मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पे चंबा में, तो ये रही अभी का व्यू यहाँ का, और ये रहे अपने मोदी साहब। मोदी साहब क्या हाल है आपके? तो रहा है बुरा हाल है, पता नहीं लगता है। अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं और अभी हम तैयार होने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं फिर। तो गाइस अभी रेडी हो गया हूँ और आज काफ़ी एक्साइटमेंट है, बिकॉज पहले मैं कभी भाई से ना मिला हूँ, ना भाई ने मुझे देखा हुआ है, मैंने भाई को फेस टू फेस अभी तक नहीं देखा, तो ऐसा रहेगा एक्सपीरियंस। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अभी जाते हैं, फिलहाल आगे आगे जाते हैं, होता है क्या। और वो बता दें आपकी जानकारी के लिए, चंबा के नंबर वन ब्लॉगर हैं, फिलहाल एक्साइटमेंट तो बहुत है। तो गाइस अभी लॉक वगैरह लग गया है और अब चलते हैं। सो गाइस अभी हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं और गेट के सीधे सामने हैं हम अभी, और अभी जाते हैं अंदर। सो गाइस अभी हम कॉलेज में आए हुए हैं और चला है असाइनमेंट का काम। तो फिलहाल वेट करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के। तो गाइस ये है अभी कॉलेज का व्यू कुछ ऐसा, धूप में बैठे हुए हैं बंदे, धूप सेक रहे हैं, और बाकी आप देख सकते हो व्यू अभी का। और ये रहा अपना चंबा का जो चौगान है, बाजार हमारा, कॉलेज से कुछ ऐसा दिखता है। कैसी फीलिंग है फिर? तो फिर आपका भाई आज फाइनली मीटअप करने जा रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई आपको ऑल द बेस्ट, और आप लाइफ में इकट्ठी करिए बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू पहुँचे, और अपने एरिए को मातम पर नाम रोशन करें। क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल ही बदल गया, एकदम से बादल ही बादल आ गए। तो गाइस ये दूसरा दिन है हमारा, तो पिछले कल जो बाकी वीडियो शूट हुई थी वो पिछले कल हुई थी, और अभी हम जा रहे हैं, स्पेशली भाई ने बुलाया है, बहुत चौक तक जाना है हमें, तो फिर चलते हैं वहाँ पे और फिर मिलेंगे भाई के साथ। एक्साइटेड हो? हाँ जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट है काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हिमाचल वाला के साथ हम भी मिल रहे हैं। तो अभी भाई नरेंद्र भाई है अपने। तो गाइस अभी चारों तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, और अभी हैं हम भरमौर से थोड़ा सा पीछे हैं, और वैसे तो मैं बस में आने वाला था, लेकिन जो हमारे रवि भाई हैं वो भी चंबा आए हुए थे, तो भाई ने कहा कि साथ में चलते हैं, तो इसीलिए हम उनकी गाड़ी में आया हूँ मैं। और ये आप पीछे देख सकते हो गाड़ी लगी हुई है भाई की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई के साथ, तो अभी टाइम स्पेंड करने का टाइम भी काफ़ी मिला, गाड़ी में साथ ही आए हम चंबा से यहाँ तक। तो भाई बता रहे हैं अभी पीछे यहाँ से लगेंगे हमको करीबन आधा घंटा लगेगा, तो अभी चलते हैं फिलहाल।
शुक्र है, बाकी ले लो कुछ। सो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं और ये वही जगह है जहां पे गाड़ी लगती है भाई की। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हिमाचल वाला होम स्टे, जो रवि भाई का होम स्टे है वहां पे हम पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल चाय आ चुकी है और अभी चाय पी रहे हैं, और अभी भाई लोग बाकी अज्जू भाई और अपने जो रवि भाई हैं वो बाहर हैं तो वो भी आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं चाय पीता हूँ और साथ में हीटर लगा हुआ है और कुछ ऐसा है होम स्टे। अभी देखते हैं, बाकी बाहर बैठे हुए हैं दूसरे रूम में, तो मिलाता हूँ अभी। तो अभी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस दिन का, अभी चलते हैं आगे मिलाते हैं भाई से। और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल बाहर अंधेरा हो गया है और कुछ इस तरीके का भी व्यू दिख रहा है आपको जैसा है, यह बरामदा होम स्टे का। तो अभी चलते हैं, बाकी अंदर बैठे हुए हैं भाई। अभी पीछे वाले रूम जो ये बरामदे के सामने वाला आपको छोटा वाला रूम दिख जाता है वहीं पे बैठे हुए हैं अज्जू भाई और अपने रवि भाई। तो हेलो भाई, हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है भाई, ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। चलो फाइनली मिला रहे हो लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा होम स्टे में आके? बिल्कुल, अभी तो थोड़ी देर हुई है बट अच्छा लग रहा है। चलो, ठंड काफी है, ठंड तो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तो यहाँ पे हीटर लगा के बैठा हूँ नीचे ना। मैंने कहा हीटर भाई बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिल्कुल, हीटर वगैरह लगे हैं, बैठ के करते हैं बात। अज्जू भाई थे वो कहाँ गए? अज्जू भाई नीचे चले गए होंगे खाना बनाने की तैयारी करने। अच्छा अच्छा, और बताओ ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया भाई, सब मस्त चल रहा है। मस्त है, मस्त है। तो कुछ इस तरह की है, जैसे कि व्लॉग में उन्होंने बताया होगा कि साथ में आ रहे थे, फिर गाड़ी में थोड़ा लाइटिंग का इशू रहता है क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, वैसे मैं ड्राइव करते टाइम व्लॉग भी बना पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो शायद से आपने मेरी आवाज़ ही कुछ जो वो सुनी होंगी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे आगे करके ऐसे बोला भाई को कि घर में ही चलते हैं, वहाँ पे ही अपना जो फेस है बनली आपको दिखाते हैं या साथ में ही मिलते हैं। मुझे तो आज काफ़ी खुशी हो रही है भाई से मिलके। मैं आपके व्लॉग एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप सभी को, लॉकडाउन में जैसे मैं बैठा हुआ था एक अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल के जो होम पेज है उधर आती है एक वीडियो, उसमें लिखा होता है पहाड़ों में मेरा घर। अच्छा, मेरा घर पहाड़ों में। हाँ, वैसे करके एक टाइल थंबनेल दिखा मुझे। हाँ, हाँ, और उसी टाइम मैंने क्लिक किया, देखता पता क्या है वीडियो में। उस टाइम के लिए मुझे ऐसा कोई पता नहीं था कि ब्लॉग भी कोई चीज़ होती है। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि जो ब्लॉग बनाए हैं मैंने भाई को देख करके बनाए हैं। चलो बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि काफी लोग जो इंस्पायर हुए हैं। हाँ, और बहुत से लोगों ने ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट किया था। तो मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कभी ना कभी तो लाइफ में अच्छा सब कुछ हो ही जाएगा, है ना? क्योंकि टाइम तो लगता है हर एक चीज़ के लिए। बाकी भाई का मैं वीडियोस देख रहा था रास्ते में, इन्होंने जो कार में वीडियोस अपने प्ले भी किए थे, तो काफ़ी अच्छा वर्क जो है वो कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ही भाई आगे बढ़ते रहो। हाँ जी, तो एक बंदे को जो चिंगारी होती है ना, वो भाई की वीडियो को देख के वहाँ से मैंने ब्लॉग देखा, और उसके बाद 1.5 साल तो मैं देखता रहा वहाँ। उस टाइम का जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम मैं देखता रहता था, अपना बनाने का सोचा नहीं था। ठीक, तो जो इस जनवरी पे जो बर्फ पड़ी, उस टाइम मैंने सोचा मैं भी एक छोटा सा ब्लॉग बना लेता हूँ। तो मैंने बर्फ के टाइम से स्टार्ट कर दिया, और आज भाई को देख करके बीच बीच में भाई की मैंने सारी वीडियोज देखी हैं, और काफी इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि जो इनकी स्टोरी है उसी तरह से कहीं ना कहीं वो होता है ना एक, कि ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारी लाइफ भी ऐसी है, अगर ये बंदा कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। इंस्पायर, यही बात इंस्पायरिंग लगी, और आज फाइनली मिल भी लिया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत वैसे तो आप देख ही सकते हो, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी तो आप जो भी बोल दो वो बोल दो, कोई बात नहीं है ना। सभी लोगों को यही बोल रहे थे, वो भाई भी बोल रहे थे अभी कि जस्ट मेरे को वीडियो को एंड भी कर दूंगा, कुछ इस हिसाब से मैं वीडियो बनाई थी। तो सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे फुल सपोर्ट करो, है ना? हाँ जी, तो अगर जो भाई को नहीं जानते हैं, वो मैं टाइटल में आपको मेंशन कर किया हुआ है भाई का चैनल, तो आप जा करके देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भाई और भाई को भी ऑलरेडी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, तो बाकी लोगों से कल मिलाते हैं जो आंटी जी वगैरह हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जी जी जी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें तीन बार। चलो ठीक है, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।